सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनिट वन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो 2023-24 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बढ़ाएंगे यूनिट वन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है कि एक्सप्लेन एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। तो बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली द एलिमेंट विच सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क आर नोन एज एक्टिव एलिमेंट। और एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और एसेट्रा। बात करते हैं पैसिव एलिमेंट की। तो पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो डिसिपेट करते हैं एनर्जी को और स्टोर करते हैं एनर्जी को, उन्हें हम कहते हैं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट कौन से होते हैं। तो बेसिकली यूनिलेटरल एलिमेंट वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पर, उन्हें हम कहते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। और इसके यूनिलेटरल एलिमेंट के एग्जांपल जो होते हैं वो होते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर एसेट्रा। और बाइलेटरल की बात करें तो बाइलेटरल एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, उन्हें हम बाइलेटरल एलिमेंट कहते हैं। बाइलेटरल का एग्जांपल है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। और ये काफ़ी बार पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल कंपोनेंट और व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर से करें। बात करते हैं आइडल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो आइडल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो आइडल वोल्टेज सोर्स का जो सर्किट होता है ये हमारा सर्किट दे रखा है, ठीक है, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा जीरो होता है। बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ ये होता है, ये हमें ज़रूर से बना के आना है जब भी हमारे एग्ज़ाम में आए। तो बेसिकली आइडल सोर्स क्या होता है, तो द सोर्स विच मेंटेन ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोड करंट इज नोन एज द आइडल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और इसका ग्राफ बेसिकली ये होता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है वोल्टेज के अक्रॉस। वी नो जो वी आउटपुट आता है हमारा वो वी इनपुट के बराबर होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। द सोर्स हुज आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज और बी इंक्रीज द लोड करंट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आपको सर्किट डायग्राम मैंने पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि क्या होता है। अब बेसिकली तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ जो आता है वो बेसिकली हमारा ये आता है, ठीक है, ये हमें एग्ज़ाम में ज़रूर से बना के आना है कि टाइम के साथ जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट वोल्टेज का, वी नॉट इज इक्वल टू वी माइनस आई एल इंटू आर इनपुट, आर इंटरनल वोल्टेज जो होता है, ठीक है, ये हमारा के वी एल लगाकर ये आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आइडल करंट सोर्स क्या होता है। द सोर्स विच डिलीवर कॉन्स्टेंट करंट टू द लोड इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोड रेजिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, आइडल करंट सोर्स कहते हैं। ये रहा उसका सर्किट डायग्राम आइडल करंट सोर्स का, और जो ग्राफ बन के आता है वो हमारा सेम एज जैसे आइडल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ था वैसे ही सेम आइडल करंट सोर्स का भी होता है, लेकिन इसमें बस ये डिफरेंस होता है वहाँ वी एल था यहाँ आई एल है, और फॉर्मूला दोनों का सेम है, आई एल इज इक्वल टू आई उसका होता है, वी एल इज इक्वल टू वी। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है हमारा आइडल करंट सोर्स का वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। तो द सोर्स हुज आउटपुट करंट डिक्रीज और वी इंक्रीज द लोड रेजिस्टेंस इज नोन एज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, ठीक है, और ये ग्राफ है जो हमारा आइडल और प्रैक्टिकल करंट वोल्टेज सोर्स होता है उसके जैसा ही सेम टू सेम इसका डायग्राम है और ग्राफ भी सेम टू सेम है। तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट अक्रॉस लोड, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है IL इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटरनल अपॉन आर इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस जो लोड
पे लगवाया रजिस्टेंस उसके इक्वल होता है। अब बात करते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा सीरीज में आ जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। और जो वोल्टेज का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो पलट जाता और क्या हो जाता, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है, फॉर द कन्वर्जन इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है हमारा अनचेंज रहता है। बस किस चीज़ में चेंज आता है कि जो अगर वोल्टेज दे रखा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में लगा होता है, लेकिन अगर करंट दिया होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में लगा होगा, जैसा आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है करंट वोल्टेज को जब करंट सोर्स कन्वर्जन करते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बी वाई आर फॉर द वोल्टेज टू करंट सोर्स कन्वर्जन। लेकिन अगर करंट टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन करेंगे तो क्या होता है वी इज इक्वल टू आई इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं। तो लीनियर एलिमेंट वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को, यानी वी इज इक्वल टू आई आर को फॉलो करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं लीनियर कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, लीनियर एलिमेंट के कह सकते हैं, और उनके एग्जांपल होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे पाते। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट का जो एग्जांपल है वो होता है डायोड। तो जो ग्राफ है हमारा लीनियर एलिमेंट के लिए वो ये आता है, और जो नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए आता वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। आप देख रहे हैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन शो करता है जबकि नॉन लीनियर में स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे पहली यूनिट के। अभी हमें मैथ्स और नोडल एनालिसिस भी पढ़ना है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों में पिन कर देंगे, आप वहाँ से जाकर ले लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।